न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह को इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स में से एक शुमार किया जाता है। इनकी फिल्में सिनेमा घरों में जमकर धमाल मचाती हैं। पवन भैया इन दिनों सुर्खियों में हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वजह काफी बड़ी है। दरअसल हाल ही में सुपरस्टार पवन सिंह की आने वाली 4 फिल्मों का मुहूर्त किया गया संपन्न और इन फिल्मों का नाम है क्रैक फाइटर, रॉकस्टार, भारत माता की जय और बबुआन की जान। ऐसे में फिल्म के मुहूर्त पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल इन फिल्मों के मुहूर्त पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की सबसे बड़ी दुश्मन प्रियंका जग्गा भी मौजूद थी और वो अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हुई भी नजर आएंगी। आपको बता दें कि कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में सलमान खान और प्रियंका की दुश्मनी सबके सामने आ गई थी और सलमान खान ने कहा था कि इनके साथ कोई भी काम करेगा तो मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा प्रियंका जग्गा ने फिल्म के मुहूर्त पर पहुंचकर। नहीं, नहीं, ये कैसे इंडस्ट्री है जो बहुत ऊपर नाम कमा रही है, एक बॉलीवुड के बाद है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री है आप लोगों की, जिसका एक मकाम बन चुका है। और जैसे कि आप सब यहाँ आए हैं, 4 मूवीज़ का एक साथ उद्घाटन है, मुहूर्त है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने से। एक मूवी के साथ साथ वो इंसान 4 मूवी कर रहा है तो वक्त अपना दे रहा है इंडस्ट्री को, और आप लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री को वो वक्त मिल रहा है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा वक्त है उन लोगों का जो उभरते हुए कलाकार हैं या जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो अच्छी इंडस्ट्री है और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं क्या होता है। प्रियंका की बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस के घर के अंदर, घर के बाहर, और अब भोजपुरी सिनेमा एक परिवार के अंदर आज बैठी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से बॉलीवुड और भोजपुरी एक ही तरह की मूवीज़ है, सब कुछ एक है, बस एक ही भाषा है जो आप लोगों को बॉलीवुड से अलग कर देती है। तो मेरा बिग बॉस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और वो एक मूवी नहीं थी, वो एक स्क्रिप्ट में मिली थी, एक रियलिटी शो था और ये एक मूवी है। तो मेरे हिसाब से दोनों में बहुत अंतर है, बट लेकिन काम सब कर रहे हैं तो काम की वैल्यू होती है। और भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।